वेलकम टू मेडिक मेड। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स। व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर ट्रू फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक्शन ट्रांसमिटिंग है, सिग्नल रिसीविंग है, जो कि सेंसरी नर्वस सिस्टम से होता है, और उसके साथ फिर जो मोटर सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट मसल्स तक। सो ये जो दोनों काम हैं ये सारे न्यूरॉन्स करते हैं, जो कि बेसिक ट्रू फंक्शनल सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के। और ये कम्युनिकेट करते हैं, ये एक्साइटेबल सेल्स है, और थ्रू एक्शन पोटेंशियल ये सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। सो एक्चुअली न्यूरॉन्स से रिलेटेड ये साइज में शेप में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन सब का जो एक्शन है वो सेम है, सिग्नल ट्रांसमिट करना और सिग्नल रिसीव करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यूरॉन्स जो है ये परमानेंट सेल्स हैं, परमानेंट सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सो एक्चुअली नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के परमानेंट सेल्स है। अब न्यूरॉन्स में बेसिकली हमारे पास अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को देखें हम, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास तीन पार्ट्स है। सबसे पहले है सेल बॉडी, सेकेंड वन है हमारे पास डेंड्राइट, और थर्ड वन है हमारे पास एग्जॉन्स। अब सेल बॉडीज क्या है? सेल बॉडी टिपिकल सेल बॉडी जिस तरह बाकी सेल ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसी तरह के सेल बॉडी हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी भी सेल बॉडी है, लेकिन ये जो सेल बॉडी है ये स्पेशलाइज्ड है। ये स्पेशलाइज्ड इसलिए है क्योंकि ये परमानेंट सेल्स हैं। जो हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स आर परमानेंट सेल, वो एक्चुअली इसके जो सेल बॉडी है ये वाला जो पार्ट है ये है सेल बॉडी। ये हमारे पास परमानेंट सेल है। अगर सेल बॉडी आपकी न्यूरॉन की डैमेज हो गई सो सेल बॉडी के नॉट बी रीजनरेटेड। और इसके बाद ये जो शॉर्ट ब्रांचेस हैं ये है आपके डेंड्राइट्स, और ये जो पार्ट है ये है आपका एग्जॉन। ये जो स्पेशलाइज्ड एरिया है इसको कहते हैं एग्जॉन हेलिक्स, और लास्ट पार्ट जो एग्जॉन का है इसको कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल। सो नाउ अब हम एक एक स्ट्रक्चर से डिटेल से बात करते हैं। अब जैसे सेल बॉडी है, सेल बॉडी में आपके न्यूरॉन्स का जिस तरह मैंने आपको बताया बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सेम उसी तरह का है। इसमें आपके पास है न्यूक्लियस है, आपके पास टिपिकल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, इसके अलावा आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेल बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं निजल ग्रेन्यूल। नेजल ग्रेन्यूल या सब्सटेंसेस, अब ये क्या चीज़ है? नेजल ग्रेन्यूल या नेजल सब्सटेंसेस ये कम्बिनेशन है राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों को न्यूरॉन्स में कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल या नेजल सब्सटेंसेस। और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? हमारे पास टिपिकली न्यूरॉन्स के तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक उसके है सेल बॉडी है, दूसरा उसके डेंड्राइट्स है। अब डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स आर सिग्नल रिसीविंग पार्ट सिग्नल रिसीविंग पार्ट, या इसके अलावा ये क्या है? स्टिमुलस रिसीव करते हैं। और एग्जॉन क्या करता है? सेल बॉडी में फिर मेन प्रोसेसिंग यूनिट है सेल बॉडी, और एग्जॉन जो है यहाँ से फिर सिग्नल ट्रांसमिट होता है। सो सेल बॉडी में आपके पास क्या क्या है? आपके पास न्यूक्लियस होगा, आपके पास
माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपरेटस होगा आपके पास, लाइजोजोम होंगे, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास सेल बॉडी में होगा। डेंड्राइट्स में आपके पास क्या है, डेंड्राइट्स आर सिग्नल रिसीविंग पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। और ये जो स्पेशलाइज्ड एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो एरिया है एग्जॉन हेलिक्स, ये स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसमें आपके पास सोडियम चैनल्स होते हैं, और ये यहाँ पर सोडियम रिच चैनल्स होते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे सोडियम चैनल्स होते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आपका न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जब एक्शन पोटेंशियल करता है, तो वो जो सिग्नल है वो सेल बॉडी से लेकर एग्जॉन की तरफ आता है, और वो सिग्नल फिर यहाँ से जनरेट करता है। यहाँ पर सोडियम के चैनल बहुत ज़्यादा, यहाँ से फिर सिग्नल स्टार्ट होता है और वो इस डायरेक्शन में होता है। हमेशा जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो सेल बॉडी से लेकर एग्जॉन की तरफ जाएगा। सो इसके बाद एग्जॉन का जो लास्ट पार्ट, इसको कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल, यहाँ से फिर वो सिग्नल जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, वो फिर यहाँ से रिलीज होता है। अब जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू काम करते हैं, वो एग्जॉन टर्मिनल पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। अब इस एग्जॉन टर्मिनल पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए जो वेसिकल है, अब वो भी प्रोटीन है, वो आपको प्रोड्यूस होता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर वो ट्रांसमिट होता है यहाँ पर एग्जॉन टर्मिनल में। अब जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स है, जनरल मशीनरी है, वो आपके पास हमेशा सेल बॉडीज में होंगी। एग्जॉन टर्मिनल में आपके पास इतनी कोई मशीनरी नहीं कि आप यहाँ पर प्रोटीन प्रोड्यूस करें, या इसके अलावा कोई ऑर्गेनेल प्रोड्यूस करें, या डिफरेंट और कोई स्ट्रक्चर या कोई चीज़ यहाँ पर आप डिग्रेड कर लें। आपको जो भी चीज़ करनी है वो सेल बॉडी में करनी है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पर आपको कोई प्रोटीन चाहिए, कोई एंजाइम चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, सो वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ पर सेल बॉडी में आपका प्रोड्यूस होगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, और वो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ से इस ऑर्गेनेली ने यहाँ आना है, इसने यहाँ पर काम करना है, इस ऑर्गेनेली ने यहाँ से आना एक प्रोटीन के थ्रू, इस प्रोटीन को कहते हैं, इस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को कहते हैं काइनेजन प्रोटीन। और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन क्या करता है, ये इन स्ट्रक्चर्स को, इन प्रोटीन्स को, या जो भी ऑर्गेनली यहाँ पर होता है जो एग्जॉन टर्मिनल में आता है, वो इसको सेल बॉडी से लेकर एग्जॉन टर्मिनल तक लेके आता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फ्रॉम द सेल बॉडी टूवर्ड्स एग्जॉन टर्मिनल, इस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इसको कहते हैं एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और इनमें प्रोटीन कौन सा, हेल्पर प्रोटीन कौन सा है जो कि इन स्ट्रक्चर्स को लेके आता है एग्जॉन टर्मिनल तक सेल बॉडी से, वो है आपके पास काइनेजन प्रोटीन। अच्छा, काइनेजन प्रोटीन का क्या काम है, वो एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सेल बॉडी से एग्जॉन टर्मिनल तक चीज़ें लेके आता है। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम हो गया है, या एक माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम हो गया, अब उसने डिग्रेड होना है, तो उसको फिर यहाँ से सेल बॉडी तक आना है फ्रॉम एग्जॉन टर्मिनल टूवर्ड सेल बॉडी। तो फिर यहाँ पर एक और स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, उसका नाम है डाइनेन प्रोटीन। और डाइनेन प्रोटीन क्या करता है, एग्जॉन टर्मिनल से चीज़ों को लेके सेल बॉडी तक लेके आता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फ्रॉम द एग्जॉन टर्मिनल टूवर्ड द सेल बॉडी, दिस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, सो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि आपके एग्जॉन टर्मिनल से सेल बॉडी तक एक्शन पोटेंशियल जो स्ट्रक्चर्स होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर तक आएंगे, और एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में आपके सेल बॉडी से एग्जॉन टर्मिनल तक आएंगे।
अब इसके बाद, अब जैसे हमने बात की कि यहाँ से ये प्रोटीन काइनेजन प्रोटीन यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूरो ट्रांसमीटर जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुए उसको एग्जाम टर्मिनल तक लेके आता है और फिर यहाँ से वो रिलीज होगा दूसरे न्यूरॉन्स पे, या उस न्यूरॉन को अगर ये एक्साइटेड न्यूरो ट्रांसमीटर होगा तो दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, अगर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होगा तो दूसरे न्यूरॉन को वो इनहिबिट करेगा। सो ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये किस तरह होता है, ये होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, यहाँ पर जो एग्जान हेलिक्स है यहाँ पर सोडियम चैनल्स है और सोडियम हमेशा सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है और आपके पास पोटाशियम सेल के अंदर काफ़ी अमाउंट में होता है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सिग्नल स्टार्ट होगा सोडियम सेल के अंदर आएगा, जब सोडियम सेल के अंदर आएगा तो वो यहाँ पर स्पेशलाइज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और जब ये इधर आएगा, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो एक न्यूरॉन्स का जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है आपके पास, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन्स का वो है आपके पास आरएमपी है -70 mV और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल न्यूरॉन्स का है -50 mV। सो अब इस एग्जान हेलिक्स में जो सोडियम चैनल इनका क्या फ़ायदा है, जब यहाँ पर सिग्नल स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सोडियम सेल के अंदर आएगा तो सेल का जो वोल्टेज है वो -70 से -50 तक लेके आएंगे, जैसे ही -50 हिट करेगा सो ये जो वोल्टेज गेट है सोडियम चैनल ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और सोडियम रश कर जाएगा सेल के अंदर, एग्जान के अंदर आ जाएगा और ये वाला जो एरिया है इसका जो पोटेंशियल है वो -70 से चला जाएगा +30 mV तक, +30 mV तक ये चला जाएगा और इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब इसके बाद यहाँ पर जब ये एग्जान से आ जाएंगे, ये सोडियम जब आ जाएगा तो इससे कुछ सोडियम नाइबरिंग जो सोडियम वोल्टेज के लिए सोडियम चैनल होगा उसके पास चला जाएगा, उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक ले जाएगा, जैसे ये थ्रेशोल्ड तक ले जाएगा तो ये डीपोलराइज यहाँ से सोडियम सेल के अंदर आ जाएगा, यहाँ से फिर इस साइड पर आ जाएगा और फिर इस साइड पर, और इसी तरह इन ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के साथ साथ जैसे ये आगे जाएगा तो इसके साथ ये काइनेजन प्रोटीन जो हैं ये प्रोटीन्स को माइटोकॉन्ड्रिया को आगे लेके आता है इस एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। इवेंचुअली एग्जान टर्मिनल में एक स्पेशल पॉइंट है कि एग्जान टर्मिनल में आपके पास सोडियम चैनल नहीं होते, एग्जान टर्मिनल में आपके पास होते हैं स्पेशलाइज कैल्शियम चैनल होते हैं, स्पेशलाइज कैल्शियम चैनल होते हैं जो यहाँ पर जैसे ही वो वोल्टेज हिट करेगा तो यहाँ से फिर कैल्शियम चैनल सेल के अंदर आएंगे, और जो एग्जान टर्मिनल है इसकी स्पेशलाइज बात यह है कि यहाँ पर आपके पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं। अच्छा, और इसके बाद जब सेल का वोल्टेज +30 तक चला गया, डीपोलराइज हो गया, अब इसके बाद सेल ने रीपोलराइज होना है। अब रीपोलराइजेशन के लिए क्या होता है, रीपोलराइजेशन के लिए आपके पास इधर वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स होते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल क्या करते हैं, जब आपका सेल माइनस से प्लस पे चला जाता है जैसे ही एक स्पेसिफिक वोल्टेज हिट करेगी तो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और पोटाशियम सेल से अंदर से बाहर आ जाएगा, सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, रश कर जाएगा, जैसे ही सेल से बाहर आ जाएगा सो जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 है, सो नॉर्मली वो -90 mV तक चला जाता है क्योंकि इतना पोटाशियम सेल के बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर जो आपके पास लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी पोटाशियम चैनल, उसके थ्रू फिर ये जो वोल्टेज है अगेन से -70 mV तक पहुंच जाता है। सो इस तरह डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होता है और लास्ट में आपके पास है एग्जान टर्मिनल में कैल्शियम चैनल है, और कैल्शियम चैनल स्पेशली है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनका फर्दर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम इसलिए है कि जब आपके पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, अब इस न्यूरो ट्रांसमीटर में लेट सपोज आपके पास इस न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल में आपके पास है एसिटाइल कोलीन,
लेट सपोज ये है आपके पास एसिटाइल कोलिन। अब इस एसिटाइल कोलिन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर के जो वेजिकल हैं, अब इसने इस वेजिकल ने इस मेम्ब्रेन के साथ फिट होना है, उसके बाद यहाँ से वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर पाएगा। अगर ये यहाँ पर फिट ना हुआ, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज ना हुआ, तो इससे न्यूरो ट्रांसमीटर कभी नहीं निकलेगा और नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, टारगेट न्यूरॉन है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। सो इसके लिए क्या है कि आपके जो वेजिकल है, इस पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। इन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को कहते हैं, इन स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन को कहते हैं वी स्नेर। और वी स्नेर में आपके पास कौन कौन से प्रोटीन है? वी स्नेर में आपके पास है सिनेप्टोब्रेविन और सिनेप्टोटैगमिन। और इसी तरह इस जो मेम्ब्रेन है, जो आपका टर्मिनल के मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और इन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को कहते हैं टी स्नेयर्स। इन टी स्नेयर्स में आपके पास है सेंटॉक्सिन और आपके पास है स्नैप 25। अब इन प्रोटीन का क्या काम है? ये जो दो प्रोटीन्स हैं, अब ये दोनों प्रोटीन जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इसके बाद ये जो बेसिकली ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा और फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। अब इन वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स को कौन कंबाइन करता है? इसके लिए आपके पास स्पेशली कैल्शियम चैनल आएगा टर्मिनल में। जब ये कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम इसके साथ भी बाइंड हो जाता है और टी स्नेयर के साथ भी, और ये इन दोनों को फ्यूज़ करवाता है। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, सो उसके बाद ये जो वेजिकल है, ये आपके साथ टर्मिनल तक टर्मिनल में फ्यूज़ हो जाता है। लेट सपोज़ ये आपके पास, अब ये जो वेजिकल है ये फ्यूज़ हो गया। अब जब फ्यूज़ हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर आपके पास सिनेप्टिक क्लिफ पर रिलीज़ हो जाएंगे और वहाँ से फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाके अपना एक्शन करेंगे। अगर एक्साइटेटरी हुए तो एक्साइट करेंगे, इनहिबिटरी हुए तो इनहिबिट करेंगे। सो इसी तरह न्यूरॉन्स के जो बेसिक एक्शन है वो इस तरह होता है कि एक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स जब आपस में फ्यूज़ होंगे और उनको फ्यूज़ करने के लिए आपके पास कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जब आप कोई ड्रग वगैरह देते हैं या कुछ टॉक्सिन वगैरह होते हैं जो इन प्रोटीन्स के खिलाफ काम करता है, तो फिर वहाँ पर ये जो एक्शन वगैरह हैं या एक्साइटेशन या इनहिबिशन, ये फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के कितने टाइप्स है। सो बेसिकली अगर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात करें, सबसे पहले है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अगर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में न्यूरॉन के तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन है आपके पास यूनिपोलर न्यूरॉन, अब यूनिपोलर न्यूरॉन आपके पास कौन सा न्यूरॉन है? यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसका एक सेल बॉडी होगा, ठीक है, और उसके बाद एक सेंट्रल प्रोसेस निकलेगा जो कि बाद में दो प्रोसेस में डिवाइड हो जाएगा। एक प्रोसेस जाके पेरिफेरल में नर्व या मसल वगैरह ब्लड पे जाके, ब्लड वेसल्स पे जाके एक्ट करेगा और वो वहाँ से स्टिमुलस रिसीव करेगा। सो ये वाला जो स्टिमुलस रिसीविंग पार्ट है जो कि पेरिफेरल में जा रही है, ये आपके पास हो जाएगा डेंड्राइट। और जो दूसरा पार्ट है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाएगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड में जाने वाला है ये आपके पास बन जाएगा एग्जॉन ऑफ दैट न्यूरॉन यूनिपोलर, और ये उसके बाद है सेल बॉडी। सो यूनिपोलर न्यूरॉन आपका क्या है? यूनिपोलर न्यूरॉन में आपके पास एक सेल बॉडी जिसका एक ही सेंटर पॉइंट, सेंट्रल प्रोसेस है, जो कि दो में फर्दर डिवाइड हो जाता है। एक पेरिफेरल में जाके
स्टिमुलस रिसीव करता है और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है जो कि एक्शन ट्रांसमिट करता है, वो एग्जान हो जाता है। और आपके बॉडी में जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स है, ऑलमोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स जिस तरह पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है या आपके पास क्रैनियल नर्व में जितने भी सेंसरी हैं, वो सारे आपके पास यूनिपोलर न्यूरॉन है। सो मेजॉरिटी सेंसरी न्यूरॉन्स आपके पास कौन से, यूनिपोलर न्यूरॉन है। अब इसके बाद आपके पास सेकेंड टाइप कौन सा है, सेकेंड टाइप आपके पास है बाईपोलर न्यूरॉन। अब बाईपोलर न्यूरॉन कौन से, बाईपोलर न्यूरॉन्स में आपके पास सेल बॉडी से दो सेंट्रल प्रोसेस निकलते हैं, एक आपका बन जाता है डेंड्राइट और एक आपका बन जाता है एग्जान। सो ये आपके पास है डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी और ये है आपके पास एग्जान। सो और ये शॉर्ट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सो इसका एक सेल बॉडी और एक डेंड्राइट, एक एग्जान, और आपके बॉडी में जो बाईपोलर न्यूरॉन है ये सबसे कम है, मींस के रेयर न्यूरॉन्स है। ये आपके पास कुछ जगहों पर है जैसे कि रेटिना, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम और साथ में आपके पास इनर ईयर, इन जगहों पर आपका इनर ईयर में वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल वगैरह, यहाँ पर आपके पास बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सो सबसे जो कम क्वांटिटी के न्यूरॉन्स है आपके ह्यूमन बॉडी में, सो वो है बाईपोलर न्यूरॉन। और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में जो लास्ट पार्ट है न्यूरॉन का, वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में कौन सा टाइप है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में आपके पास एक सेल बॉडी है जिससे बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेंड्राइट्स निकलेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल डेंड्राइट्स विल बी ओनली मल्टीपल सेल बॉडी एक, और एग्जान जो है वो भी यहाँ से एक निकलेगा। हमेशा एक बात याद रखना, जितने भी न्यूरॉन्स होंगे उनका एग्जान हमेशा एक होगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांसमिट करना है स्पेसिफिक टारगेट पर। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक बंदे को बात पहुंचानी, तो उसके लिए फिर आपके पास एक ही सिग्नल होना चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंट सिग्नल होंगे, मीन्स के दो तीन एग्जान होंगे, और फिर आपने इस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है, लेकिन आपके पास तीन चार एग्जान हैं, तो आप इसके साथ साथ बाकी सराउंडिंग में भी न्यूरॉन्स को कर लेंगे, तो फिर आपका जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा, जो एक्शन होगा, वो आपके पास फिर उस तरह प्रॉपर एक्शन नहीं आएगा जिस तरह आना चाहिए था। सो इसलिए फिर आपके पास जो एग्जान है वो हमेशा एक ही होता है, और एक एग्जान का फ़ायदा ये है कि टारगेट स्पेसिफिक होता है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन आपके बॉडी में जितने भी मोटर न्यूरॉन है, मीन मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन्स है, वो आपके पास है मल्टीपोलर न्यूरॉन, लाइक अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अब इसके बाद, अब ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हो गया न्यूरॉन्स का। अब इसके बाद है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, के फंक्शनली न्यूरॉन कितने टाइप्स के हैं। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन में भी आपके पास न्यूरॉन के तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकेंड वन है आपके पास मोटर न्यूरॉन, और थर्ड वन है आपके पास इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स आपके पास कौन कौन से होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स वही जो हमने चार डिविजन की थी, GSA फंक्शनली क्लासिफिकेशन है ना, तो जनरल सोमेटिक ऑफरेंट न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स है, और फंक्शनली भी ये सेंसरी न्यूरॉन्स का पार्ट है। फिर उसके बाद है जनरल विजरल ऑफरेंट, फिर उसके बाद है स्पेशल सोमेटिक ऑफरेंट, जो कि आपके कहाँ कहाँ से, ईयर से और आई से, ठीक है। और लास्ट में आपके पास है स्पेशल विजरल ऑफरेंट, इसमें आपके पास आता है नोज़,
जो कि आपका स्पेशल सेंस है, और टेस्ट जो कि टंग से आता है। सो ये आपके पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सेंसरी न्यूरॉन, जिसके चार डिवीजन हैं और चार किस्म के ये फंक्शनली सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स के आपके पास तीन पार्ट्स हैं, जनरल, सोमेटिक, इफरेंट न्यूरॉन्स, जो कि आपके मसल्स को, उसके स्केलेटल मसल्स को इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास इंटरनल विजरल ऑर्गन, जनरल, विजरल, इफरेंट, और इस डिवीजन को हमने एक और नाम दिया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास कौन कौन से हैं, सिंपथेटिक, पैरासिंपथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि सिर्फ और सिर्फ GAT में होता है। और लास्ट आपके पास है स्पेशल विजरल इफरेंट, जो आपके स्पेशल मसल्स है, फेशियल एक्सप्रेशन के प्लस मस्टिकेशन के मसल्स, और लास्ट में आपके पास है लैरिंग्स फेरिंग्स के मसल। सो ये जो आपके पास मसल है ये स्पेशल है, सेमी ऑटोमेटिक है, और इनके जो न्यूरॉन्स होंगे वो आएंगे स्पेशल विजुअल इफ्रन डिवीजन में। अब इसके बाद आपके पास है लास्ट है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स के इंटरन्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और ये आपके पास हेल्पर न्यूरॉन्स है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन्स के बाद को दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचा, एक न्यूरॉन का एक्शन दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने का काम करता है इंटरन्यूरॉन। अब इसके बाद लास्ट जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स का वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो न्यूरॉन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज के बेस पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही न्यूरॉन्स है। फर्स्ट वन है गोल्जी टाइप वन, गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन, टाइप वन, और सेकेंड वन है आपके पास गोल्जी टाइप टू न्यूरॉन। अब गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन्स कौन से हैं? गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन आपके पास वो न्यूरॉन है जिनकी लेंथ जो है वो अप टू या मोर देन वन मीटर हो, और गोल्जी टाइप टू न्यूरॉन क्या है, वो आपके पास शॉर्ट न्यूरॉन जिनकी लेंथ आपके पास लेस देन वन मीटर हो। अब आप यहाँ पर देख ले, आपके पास जितने भी ज़्यादातर सेंसरी न्यूरॉन्स है जो आपके लिम्ब से इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, या आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन्स या और लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ये सारे आपके पास गोल्जी टाइप वन में आते हैं। इसके अलावा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो शॉर्ट न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि एक लोब से, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंटल लोब से ऑक्सीपिटल लोब तक या पेराइटल लोब तक या सेरेबेलम तक, ये जो शॉर्ट न्यूरॉन्स है जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, वो आपके पास आते हैं गोल्जी टाइप टू न्यूरॉन्स में। सो टोटल हमारे पास न्यूरॉन्स में क्या क्या हमने पढ़ा, ट्रू फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू एक्साइटेबल सेल्स है नर्वस सिस्टम के, जो आपके पास सेकेंड सेल्स जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो ग्लाइल सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स है, वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। और इसके अलावा जो आपका एक्शन, इनका जो साइज और शेप डिफरेंट हो सकता है लेकिन एक्शन सबका सेम होगा। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो परमानेंट सेल है न्यूरॉन, और परमानेंट में कौन सी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, ये आपके पास परमानेंट होगी। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि एग्जान, अगर कभी एग्जान डैमेज हो गए तो एग्जान कैन बी रीजनरेट बाय अ प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोलाइसिस। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से करेंगे फिर। सो इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमने क्या क्या पढ़ा, तीन स्ट्रक्चर्स है, सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एग्जान्स है। सेल बॉडी में आपका मेन जो चीज़ें है जिस तरह बाकी सेल में होती है वही है, स्पेशलिस्ट में नेजल ग्रेन्यूल है या नेजल सब्सटेंसेस है। और डेंड्राइट्स क्या है, आपके पास सिग्नल रिसीविंग या स्टिमुलस रिसीविंग पार्ट है। और एग्जान आपके पास सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल्स है। और कैसे इनके पास एक्शन पोटेंशियल होता है, और कौन से प्रोटीन जो लेके आते, वो कौन से प्रोटीन है जो कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर या माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल को एग्जान टर्मिनेटर के, वो है काइनेजन प्रोटीन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डायनेन प्रोटीन क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी स्नेयर जिसमें सेनेप्टोबर्मिन, सेनेप्टोटेगमिन, टी स्नेयर, सिंटॉक्स एंड स्नैप 25 जो कि वेसिकल को फ्यूज करते हैं और वहाँ से फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आपके पास फर्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन पे आपके पास यूनिपोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर है, मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर
फिर उसके बाद है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल में आपके पास सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन, और लास्ट वन है आपके पास गोल्जी साइज के बेस पर, तो वो है गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरॉन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।